आज की इस चुनावी सभा में ओम जी सामान्य अध्यक्ष जी ओम जी सामान्य पारक साहब सामान्य नौका नगर पालिका के चेयरमैन साहब नारायण जी झंवर साहब शिवरतन जी बजाज साहब राम गोपाल जी देवी साहब सीताराम जी भंसारिया पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अजय गहलोत जी जो आज उत्तर से बता रहे हैं भगवान राम जी एका साहब राजपाल जी रोहिया जी लक्ष्मीनाथ जी सोनी साहब छगन लाल जी सोनी साहब दीकमचंद जी जैन साहब अब मेरा चुनाव जीतना बिल्कुल तय है क्योंकि दीकमचंद जी जैन साहब का आशीर्वाद मिल गया तो कभी बेटी खेल की बात मैंने किया मैं चुनाव हारा ना सामान्य हनुमान जी चाणक साहब सुनील जी संचेती साहब और हमारी तो पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता जगदीश सिंह पालीवाल साहब त्रिवेचन जी सोनी साहब जगदीश जी चाणक साहब एस एम लाउटी जी त्रिलोकचंद जी बल साहब राम जी सोनी साहब भास्कर जी सोनी जी हेमराज जी चाणक साहब मदन जी सोनी साहब सामान्य प्रकाश जी बेतरला जी श्याम जी कोठारी साहब आसगर जी रोहिया जी मोहनलाल जी चाणक साहब सामान्य सीताराम जी राठी साहब मणिलाल जी डाटा साहब माणिक जी राठी साहब दीपिचो कमल जी राठी जी प्रेमचंद जी कांकरिया हरिकृष्ण जी डाटा साहब जगदीश जी राठी साहब आसगर जी लोहिया जी सामान्य गणेश प्रसाद जी पालीवाल जी अचराज जी पारक साहब सुप्तम जी पारक साहब सामान्य हनुमान जी ललवाणी जी दूरीचंद जी स्वामी साहब सुरेश जी लद्दड़ जी तरुण जी डागा जी लोकेश जी डागा साहब उखरा जी बेतरला जी मांगीलाल जी जोशी साहब विजयराज जी सेठिया जी सामान्य मदन जी लखोटिया मेरा सहपाठी सुखकम जी पारक साहब हनुमान जी ललवाणी जी सत्यनारायण जी राठी साहब अमर जी राठी साहब सामान्य कन्यादान जी लोहिया जी विक्रम पारिक जी विशाल पारिक जी और मनोज भी जी और समस्त विराजी भी नाम जो करीब करीब मैं सारा जानता हूँ लेकिन समय भी काफी हो गया आगे थी मेरी बहुत रखी तो विराजी में सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गो मेरे युवा साथियों और कल बच्चे मैं नौका के अंदर पहली चुनावी सभा आज से शुरुआत करी है आपके सबके आशीर्वाद से सामान्य हनुमान जी साहब और इस पावन धारा पर बजरंग बली के बहुत ही तपोर भूमि पर मैं सबसे पहले आप सबको मेरे हृदय तल की गहराइयों से आपका बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और बहुत ही आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि चुनाव का वक्त है आने वाले 7 तारीख चुनाव की तारीख इस तारीख को हम सब बैठे जो हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए आए कि आने वाली 7 तारीख को आप पूरी एकता और संगठन से एक मजबूत और अच्छे सोच के साथ में इस आने वाली 7 तारीख को कांग्रेस के हाथ का निशान का बटन दबाकर और इस इलाके से कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाए ये हमारे सामने करने के लिए इसे 2013 के अंदर मैं और झंवर साहब आमने सामने चुनाव लड़े थे कन्हैयालाल जी झंवर साहब और झंवर साहब का परिवार बहुत पुराना कांग्रेस है और 1977 के अंदर कन्हैयालाल जी कुछ जेल के अंदर गए थे गांधी के वक्त में जेल भरवाना था तो पूरा परिवार जो है कांग्रेस में रहकर कांग्रेस पार्टी की सेवा कर बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए थे हम आमने सामने चुनाव भी लड़े थे लेकिन इनके परिवार से मेरे परिवार का बहुत गहरा संबंध मेरे दादाजी और मेरे पिताजी मेरे दादाजी मेरे पिताजी को इनके दुकान पर छोड़ के गए थे जब छोटे थे बढ़ते थे इस परिवार का भी हमारे परिवार का बड़ा स्नेह और आशीर्वाद रहा राजनीति में आने के बाद हम लोगों के लिए एक ही जो सोच रहा है इस राजनीति में जो प्लेटफॉर्म उस प्लेटफॉर्म को अपने निजी स्वार्थों से छोड़कर
हमने उस प्लेटफॉर्म को आम जन की सेवा का प्लेटफॉर्म बनाकर और आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। पिछले 5 सालों के अंदर, क्योंकि आप जो नोखा के आम जन को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई, मैं विधानसभा में गया और उस विधानसभा में कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी जमाई थी। वो जमाई थी विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष। मैं उस जमाई को बेखूबी निभाने का हमने काम किया। पिछली बार सारी बीजेपी की आंधी चल रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग 2013 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं नेताओं ने उस राजस्थान की प्रजा के बीच में बैठकर और एक घोषणा पत्र दिया था और उस राजस्थान की प्रजा से वादा किया कि यदि राजस्थान की जनता हमें राजस्थान की सत्ता सौंपती है तो हम सत्ता में आने के बाद हम एक एक वादे को निभाने का काम करेंगे। लेकिन कितनी दुख की बात है कि आज तक एक वादा उन्होंने निभाया नहीं और 5 साल तक उस राजस्थान प्रदेश के अंदर आम जन की भावनाओं पर कुदाराघात करने का काम किया। आज राजस्थान प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में राजस्थान का आम जन दुखी और राजस्थान प्रदेश का जो छोटा और मध्यम जो व्यापारी है वो आज सबसे ज्यादा दुखी। राजस्थान प्रदेश का ही वो जो सड़कों में भटक रहे रोजगार के लिए और इन्होंने कह दिया कि हम 15 लाख नौकरी देंगे। नौकरियां तो बहुत दूर की बात है, इस प्रदेश के अंदर 18,500 स्कूल बनकर और उसमें 26,000 से ऊपर जो विद्यार्थी के रूप में काम कर रहे थे, जो हमने नौकरी लगाया था उनके पेट पे लात मारकर घर भेजने का काम इस निकली भारतीय जनता पार्टी ने करा है। सब चुका हुआ आज हमने हमारे प्रदेश का जो यूथ भटक रहा है वो पढ़ा लिखा है, उसको रोजगार चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था, हमारा भी घोषणा पत्र आएगा, उस घोषणा पत्र के अंदर हमने एक व्यवस्था करी हमारे यूथ के लिए। जो पढ़ा लिखा प्रदेश का जवान है उसके लिए हमने व्यवस्था करी, तो प्रदेश के जवान को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 3500। जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा उसको जरूरत है। इस बात में कांग्रेस पार्टी ने अच्छे सोच के साथ सोचा। आज प्रदेश के अंदर भय और भ्रष्टाचार बढ़ा इन 5 सालों में। आज आम आदमी अपने आप प्रशिक्षित महसूस नहीं कर रहा। कानून व्यवस्था आपने देखा होगा, पीछे पूरी की पूरी कानून व्यवस्था चौपट होगी। आए दिन जिस तरीके से चोरी लूट हत्याएं डकैती आम बात होगी और राजस्थान का होम मिनिस्टर हाथ पे हाथ धरा बैठा और मुख्यमंत्री की बात करो तो कितने दुख से कहना पड़ता है कि राजस्थान प्रदेश की एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राजस्थान की बहन और बेटियां शिक्षित नहीं है। आए दिन हम अखबार टीवी रेडियो में देखते होंगे इस तरह नाबालिग बच्चे के साथ में गैंग रेप होता है, सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। ऐसी 5 साल के अंदर जिसने प्रदेश की जो दुर्गति करी है प्रदेश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आने वाली 7 तारीख का इंतजार कर रही है प्रदेश की जनता और इस 7 तारीख को प्रदेश की जनता एकता और संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन को काट कर पहनकर उस राजस्थान की सरकार में कांग्रेस का तिरंगा झंडा लहराने का काम करेगी। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी भाई हमारे चेयरमैन साहब नारायण जी समर साहब उन्होंने कही आपको बातें बता इस नौका का विकास की जरूरत है, हम विकास से महरूम है। ऐसे नगर पालिका के तहत इस नौका में चाहे ड्रेनेज की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, इस क्षेत्र के अंदर सबसे राजस्थान के अंदर किसी नगर पालिका में काम हुआ है वो नौका नगर पालिका के अंदर। सोच हमेशा एक अच्छे सोच के साथ काम किया और आगे हमें और जरूरत है। इस नौका को उस राजस्थान के नक्शे में उसकी अलग साख, उसकी अलग पहचान बनाने का काम हम दोनों मिलकर एक साथ होकर करेंगे। ये मेरी नहीं करना चाहिए। आज हमारा इस नौका में हम बात कर रहे थे चेयरमैन साहब, हम रोजाना इसके बारे में बात करते हैं, नौका के अंदर बाईपास आना चाहिए। आज आप इस रोड पे जा नहीं सकते, मेन रोड पे जो हैवी जो कमर्शियल व्हीकल चल रहे हैं उसकी वजह से आम आदमी को जो है परेशानी होती है।
आए दिन जान की शिकायत है। बाईपास की बात करो, चाहे रेलवे लाइन नोखा दो भागों में बटा हुआ, चाहे फ्लाईओवर की बात करो और चाहे आपके जमीन की बात आए, क्योंकि फ्लोरेट पानी यहां आपने देखा होगा कि मैं इस जिले का प्रमुख था और राज हमारा कांग्रेस का था। हमने इस नोखा के पूरे तहसील के लिए गांव हो चाहे शहर हो चाहे कस्बा हो उसके लिए हमने जो हिमालय से जो मीठा पानी चलते जो इंदिरा गांधी नहर के अंदर आता है और वो सीधा पानी हम जो अनोखा में घर घर में टूटी चलाना चाहते थे, इसकी स्कीम बनाई 450 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए। लेकिन उसके टेंडर हो गए, काम चालू हो रहा था, डिवीजन पूरा बन गया, चीफ इंजीनियर एक्शन एएन जेएन बाबू तक उसमें लग गए। लेकिन इस राज के आने के बाद पहला जो अनोखा को झटका दिया वो 450 करोड़ की जो पीने के पानी की स्कीम थी उसको कैंसिल करने का जो दुशासन किया है। हमने विधानसभा के अंदर भी इस सरकार की नाक में नकेल दिया, हमने सरकार को 4 साल के अंदर मजबूर कर दिया, उसको मजबूर किया और उसमें वापस 100 करोड़ की स्कीम जो है नोखा के लिए वापस इसको करनी पड़ी। या आपने देखा देखें काम हमें करना है क्योंकि तो प्रदेश की जनता ने मानस बना लिया। मैंने पूरे प्रदेश के गांव और ढाणी के शहर में इसके बाद में गया, पूरे प्रदेश की जनता ने मानस बना लिया कि आने वाला राज कांग्रेस का और इस कांग्रेस के राज के अंदर यदि आपका उस खजाने के अंदर हाथ रहेगा तो नोखा का विकास हो सकता है। हम दूर बैठे पूरे से बीकानेर की साल सीते हैं, आज पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की हवा चल रही है, जिस तरीके के कांग्रेस के प्रति जो लोगों का झुकाव जो मन है उसे लगता है कि प्रचंड बहुमत के साथ में इस राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस आएगी और नोखा के विकास के अंदर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ नोखा के विकास के अंदर कोई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज हॉस्पिटल के आप देखो नोखा का कितने लंबे समय से हॉस्पिटल बना, हम रोजाना कोशिश करते हैं, चाहे कैनेलाल जी जमर साहब एमएलए बने हो, चाहे जो मैं जो प्रधान और प्रमुख चाहे एमएलए बना हूं, लेकिन हमने कोशिश करी इस हॉस्पिटल की सुधार करने। लेकिन जिस तरीके से इसका सुधार होना चाहिए था आज तक नोखा हॉस्पिटल का सुधार नहीं हुआ। ये सिर्फ एक आगे ट्रांसफर करने की पर्ची देने के अलावा इस हॉस्पिटल में कुछ नहीं, कोई आया उसको रेफर बीकानेर के लिए कर दिया या कोई इलाज। और मैं चाहता हूं आने वाले समय के अंदर हम नोखा के अंदर एक ऐसी अच्छी